दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं आयसर 485 को। ये अभी इसका टॉप मॉडल है जैसा कि मुझे यहां पर बताया गया। तो चलिए सबसे पहले ट्रैक्टर की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। रूपरेखा कितनी है इसकी, क्या आकार है। तो इसका जो वजन है 2045 केजी का वजन है, 2045 केजी। व्हील बेस है 2008 एमएम का, 2008 एमएम। लंबाई है ट्रैक्टर की वो है 3590 एमएम की, चौड़ाई है 1710 एमएम की, और जो ग्राउंड क्लीयरेंस है ट्रैक्टर का वो है 385 एमएम का। मतलब ज़मीन से जो चेचेस की ऊंचाई है वो 385 एमएम की है, और टर्निंग रेडियस है ट्रैक्टर का 3200 एमएम का ब्रेक के साथ। ब्रेक के साथ मतलब इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस है 3200 एमएम का। फीचर है इसमें, क्या मेन फीचर है इसके इंजन का, हाई टॉर्क बैकअप है। मतलब इसका जो बैकअप है, जो ये कहते हैं मौसम जो बनाता है ट्रैक्टर, कोई भी इंजन फटाफट मौसम बना लेता है, मतलब हाई टॉर्क पैदा करके बैकअप कर लेता है अपने, वापस से अपना टॉर्क वापस जनरेट कर लेता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं टायरों की। तो आगे के टायर है गुडियर के वज्रा सुपर, और 616 के आगे के टायर हैं। 750 के लेना चाहें तो ले सकते हैं। पीछे के टायर हैं आपके 14928 के, 13628 का भी ऑप्शन आता है इसमें, और ये गुडियर वज्रा के हैं। और रिम का कलर है इसमें सिल्वर, शाइनिंग वाला सिल्वर, और यहाँ पर भी शाइनिंग वाला सिल्वर। पूरा ट्रैक्टर आप देख पा रहे हो, पूरा रंगों में, रंगों के कॉम्बिनेशन में है। सिल्वर ब्लैक, सिल्वर ब्लैक, थोड़ा ब्राउन, फिर थोड़ा स्लेटी, इस कलर में है। आगे के बम्पर की बात करूँ तो 80 से 100 किलो का आपको हैवी बम्पर मिलेगा, जिससे ट्रैक्टर आपका उठे ना। नीचे उसको टॉर्चन लॉक मिल जाएगा, आपको देख पा रहे हैं ये टॉर्चन लॉक मिल जाएगा। सामने बात करूँ तो आपको HD फ्रंट एक्सल का भी इसमें ऑप्शन है, और एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल का भी ऑप्शन है। यहाँ पर ऑयल फिल्टर्स आप देख पा रहे हैं। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है ये, तो ये पावर स्टीयरिंग की लाइन है, पाइपलाइन दोनों एक ही तरफ है, और लेकिन दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तो इसलिए दोनों अलग अलग है। देखिए तो इन दोनों के जुड़ने के चांस भी बहुत कम है, काफ़ी सेफ है ये पावर स्टीयरिंग की जो फ्यूल लाइन आई हुई है। इधर हम बात कर लें बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको मिल जाती है 12 वोल्ट 75 AH की, मतलब 12 वोल्ट 75 AH। इसके साइड में है सेल्फ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और जो इसका अल्टरनेटर इस तरफ नहीं है, अल्टरनेटर उस तरफ होगा। तो अल्टरनेटर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, इधर भी अल्टरनेटर नहीं मिला मुझे, शायद अंदर होगा। चलिए अल्टरनेटर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अल्टरनेटर इसका 12 वोल्ट 36 एम्पियर का अल्टरनेटर है। यहाँ पर ही अल्टरनेटर मैं देख नहीं पाया, सॉरी, इसके बोनट के अंदर अल्टरनेटर दिया हुआ है। तो 12 वोल्ट 36 एम्पियर का अल्टरनेटर आपको इसमें मिलेगा। करते ट्रैक्टर के लुक के बारे में, तो ट्रैक्टर का लुक जो अभी ये कलर है ये सिल्वर है, सिल्वर, और जो इंजन का सेगमेंट है वो ब्लैक है। तो बहुत ही मतलब लुक तो बड़ा प्यारा सा है। ट्रैक्टर का साइज भी हाथी जैसा, ये 45 HP का ये ट्रैक्टर है। और हम बात करें इसकी, तो फीचर्स तो इसमें बहुत सारे हैं, और ये 2945 CC का ये इसका बड़ा इंजन है डीजल का। तो चलिए अब देखते हैं सामने से। तो सामने आपको इसमें सिल्वर कलर, बीच में आपको काले कलर की जाली मिल जाएगी, फिर यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे फ्रंट में, उसके बाद आपको लाइट मिल जाएंगे रिफ्लेक्शन हेडलैम्प्स के साथ, जो ये है रिफ्लेक्शन हेडलाइट्स है ये। और ये फिर आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा रिफ्लेक्शन वर्सेज प्रोजेक्टर। इतना बस जान लीजिए कि रिफ्लेक्शन में हम कहीं भी लाइट पड़ती है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, प्रोजेक्टर में हम अपने यहाँ पर जो बीम दी होती है उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं कि लाइट को कहाँ पर हमें कहाँ पर लाइट पड़ेगी या पड़वाना है। तो चलिए हो गई लाइटों के बारे में। बीच में दिया आयसर का लोगो, और वो वहाँ पर पूरी जो पट्टी है वो पूरी ब्लैक है, उसके ऊपर जो पूरा सिल्वर कलर है, और उसके ऊपर आपको 4-स्टेज एयर ऑयल बाथ क्लीनर मिलेगा। यहाँ पर ड्राई एयर फिल्टर या एयर क्लीनर का ऑप्शन नहीं है। नीचे की बात करूँ तो पूरा कलर जो है सिल्वर कलर में है, गार्निश सिल्वर कलर में है। इधर की चलो बात कर लेते हैं, तो आपको ऑयल फिल्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर दो डीजल फिल्टर हैं, एक वाटर सेपरेटर मिल जाता है,
इधर हम टैगलाइंस की बात कर ले तो आयशर 485 है एच डी, इसमें एक और एक मॉडल आता है हाइड्रोमेटिक एंटी है, उसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ और वो वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 485। और यहाँ पर टैगलाइन दी है पावर स्टेयरिंग है इसमें, ड्यूअल क्लच है और ये जो साइड साइड से क्रोम जैसी फिनिश है, क्रोम जैसे स्टिकर चिपका रखे हैं, ये ट्रैक्टर के लुक को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। सामने के इंडिकेटर छोटे से हैं, लाइट इंडिकेटर ब्रेक इंडिकेटर। ये मडगार्ड्स की बात करें तो मडगार्ड भी पूरे सिल्वर कलर में है, अंदर सेफ वायरिंग दी रखी है। इधर की बात कर लो तो आपको इंडिकेशन इंडिकेटर और ब्रेक इंडिकेशन इंडिकेटर मिल जाता है आपको, ब्रेक इंडिकेटर्स और इंडिकेशन इंडिकेटर्स। फिर यहाँ पर आयशर दिया, फिर यहाँ पर 485 वही पीछे की लाइट दी गई है आपको, और यहाँ पर आपको दिया गया है ब्रेक इंडिकेटर और इंडिकेटर। तो चलिए अब पीछे के हिस्से में आ ही चुके तो पीछे के हिस्से की बात कर लेते हैं। पीछे के हिस्से में आपको 2 लीटर का बोटल होल्डर स्पेस दिया है, मडगार्ड प्रोटेक्टर रॉड दी गई है पीछे। यहाँ पर जो लिफ्ट है वो हैवी लिफ्टें दी गई है। लिफ्टों की कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो 1200 kg से 1800 kg तक है, मतलब टोटल इसकी 1850 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। बढ़ाकर 3 पॉइंट लिंकेज है, किस लिंक में और किस पॉइंट में आप वो टॉप लिंक को सेट करते हो उस हिसाब से इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है, जैसे कि मुझे अभी तक बताया गया है जितना मैंने जाना जितना पढ़ा है अभी इसके बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप लिंक की जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी वाइड और बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टॉप लिंक अभी लगेगी क्योंकि अभी ये एजेंसी में बिल्कुल नया ट्रैक्टर खड़ा है, इसलिए यहाँ पर टॉप लिंक अभी नहीं इंस्टॉल की गई है। फिर पीछे की बात कर लूँ तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का वो मिल जाएगा आपको, लाइटिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट। इसी के ऊपर जब हम जाते हैं तो इसी के ऊपर आपको 12 वोल्ट का कार चार्जर पॉइंट मिल जाता है, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो कार चार्जर लगाकर, ये सीट के पीछे है। फिर ये रेडियम आर्ट मिल जाती है ताकि रात में ट्रैक्टर पंचर वगैरह हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो कभी, लेकिन अगर हो जाए तो ये रात में अगर कोई लाइट वगैरह आती है तो ये उसमें रिफ्लेक्ट करता है ताकि इसको पता चल जाए कि सामने कोई व्हीकल खड़ा है। फिर बोटर होल्डर है, एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, आप इसकी ऊंचाई और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। डिलक्स HD सीट दी गई है इसमें, जैसा कि मैं इसकी प्रोसेस पढ़ रहा था यहाँ पर। पीछे के हिस्से में अगर हम PTO की बात करें तो PTO आपको मिल जाता है इसमें 27.95 kW का, मतलब 38 HP का आपको PTO मिल जाता है। 540 PTO है इसमें, मल्टी स्पीड PTO मिल जाता है आपको, मल्टी स्पीड के अंदर ही रिवर्स PTO मिल जाता है, मतलब 540 लाइव PTO 6 पे लाइन के साथ, मतलब 6 झीरी वाला 38 HP का, और साथ ही साथ आपको मल्टी स्पीड PTO मिल जाता है और मल्टी स्पीड में आपको रिवर्स PTO भी मिल जाता है इसमें। लेते हैं अब इंजन के सेगमेंट की, तो आपको इसमें 45 HP का इंजन मिलता है, 45 हॉर्स पावर का, 45 हॉर्स पावर, और जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 2965, मतलब जो CC है वो 2965 CC का इंजन है, और 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। और जो इसका पंप है वो बॉश कंपनी का आपको इनलाइन पंप मिलेगा। आप सभी ट्रैक्टरों में देखते हैं बॉश कंपनी बहुत ही ज़्यादा जो पंप वगैरह है ट्रैक्टर के या कारों के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है, ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल इसी कंपनी का है। तो बॉश कंपनी का आपको 3 सिलेंडर इनलाइन पंप मिल जाएगा, सॉरी 3 इनलाइन पंप मिल जाएगा बॉश कंपनी का। यहीं पर आपको डीजल फिल्टर है इसके नीचे, और आपको यहाँ पर मिल रहे हैं एक वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर का जनरली काम ये होता है कि ये जो एक लाइन आ रही है डीजल टैंक से और फिर एक लाइन जा रही है यहाँ फिल्टर्स में, तो नॉर्मली जब डीजल टैंक में थोड़ी भाप वगैरह बन जाती है तो उसको पानी आ जाता है अगर डीजल में, उसको डीजल से अलग करना वाटर सेपरेटर का बेसिक काम है, ताकि इंजन तक फ्रेश डीजल पहुँचे और अच्छे से अच्छा डीजल पहुँच सके। फिर इधर बात करें तो ऑयल फिल्टर वगैरह दे रखे हैं। फिर आपको 4 स्टेज एयर बाथ क्लीनर मिल जाएगा, बड़ा एयर क्लीनर है देख सकते हो आप, एयर फिल्टर जो इसका काफ़ी बड़े साइज का है ताकि जल्दी जल्दी साफ ना करना पड़े और ट्रैक्टर ठंडा रहे और ट्रैक्टर को सांस अच्छे से मिल सके। एयर फिल्टर से जो ट्रैक्टर में के लिए जो पाइपलाइन गई है वो भी काफ़ी अच्छे से, और यहाँ पर मेटल यूज़ किया है इसके लिए, कुछ जगह रबर्स है फिर उसके बाद मेटल है, और ये तीनों सिलेंडर्स में जा रही है आप देख पा रहे हो, तीनों पिस्टन और सिलेंडर्स में। इधर की मडगार्ड के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेफ वायरिंग है, काफ़ी अच्छे से टेपिंग की गई है, रबरिंग की गई ताकि चूहे ना काटे, खैर चूहे तो काट भी देते हैं लेकिन फिर भी बचाने के लिए सेव करने के लिए काफ़ी अच्छी वायरिंग दी गई है इसमें, पूरा मेटल है इसमें देख पा रहे हो आप, और सिल्वर कलर का अंदर भी बाहर भी। 3 सिलेंडर डीजल इंजन है इसका आयशर 485 का, कुछ इस तरह से है, 2965 की क्यूबिक कैपेसिटी है, मतलब जो CC 2965 है। ये इसका अल्टरनेटर है 12 वोल्ट 36 एम्पियर का, ये इसकी बैटरी है 12 वोल्ट 75 AH की, कुछ इस तरह से नजारा, पूरा ब्लैक है अंदर से कलर,
इधर हम साइलेंसर की बात कर लेते हैं जो इंजन सेगमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो साइलेंसर में आपको पहले तो बिल्कुल स्लिम जाएगा, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे आपको फैट मिल जाएगा। अच्छा मोटा चौड़ा साइलेंसर मिलता है, ऊपर जाके फिर स्लिम हो जाता है। तो इस तरह से ट्रैक्टर के जो ओवरऑल जो लुक है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है साइलेंसर। और हाथी टाइप का ट्रैक्टर दिखता है, बड़ा बड़े साइज़ का ट्रैक्टर दिखता है, 45 HP के बावजूद भी ट्रैक्टर ऐसा दिखता है कि भाई 55 या 60 HP का हो या 50 या 55 HP का हो। तो ये हो गई हमारे इंजन के सेगमेंट की बात। करें फुटरैक की, तो फुटरैक आप काफ़ी हैवी और मजबूत फुटरैक प्रोवाइड की गई है। अगर मेड़ वेड़ से टकरा जाए तो इसके टूटने फूटने का भी डर नहीं है, मुड़ने तोड़ने का भी डर नहीं है। और अगर ज़्यादा अगर टकरा जाती है तो वो कोई भी चीज़ हो, अगर वो तो मुड़ी जाती है, हम सभी जानते हैं, और टूट भी जाती है। फिर अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी वाइड और इसमें एकदम फ्लैट दिया गया, और काफ़ी बड़े साइज़ का प्लेटफॉर्म दिया एकदम खुला, ताकि आराम से आप ट्रैक्टर चला सकें। और इधर हम बात करें तो क्लच है, ड्यूअल क्लच है इसमें आपको, जैसे कि यह टैगलाइन दे भी रखी है ड्यूअल क्लच की, ये देख पा रहे हो आप ड्यूअल क्लच। तो यहाँ पे ड्यूअल क्लच है, ये पीटीओ लीवर है, 540-38 HP का पीटीओ है, मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ। फिर यहाँ पर गियर्स वगैरह देख रहे हैं आप, चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं ट्रैक्टर का साउंड और बाकी फंक्शंस। तो ऊपर हम आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डीजल टैंक के बारे में बताता हूँ। डीजल टैंक इसका 48 लीटर्स का है, और ये साइड मिरर है आपका 360 व्यू के साथ, आप इसको कहीं भी घुमा सकते हो। पीछे का व्हीकल और अपना चेहरा देखने के लिए है। बैटरी कुछ इस तरह से है, सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ भी है, ब्लैक कलर के साथ भी है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ब्रेक्स हैं, अभी ये डिस्क ब्रेक है सूखी वाली, मतलब ड्राई डिस्क ब्रेक। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है OIB का, मतलब ऑयल इमर्स्ड ब्रेक का। जो सूखी आएंगी वो डिस्क में आएंगी, और जो ऑयल वाली आएंगी विदाउट डिस्क के आएंगी, लेकिन वो तेल में डूबी हुई ब्रेक्स आपको ऑप्शन में मिल जाती हैं। यहीं पर इसका ये हैंड पार्किंग है, हैंड ब्रेक्स मतलब पार्किंग लीवर। उसी साइड में आपको इसका मिल जाता है एक फुट एक्सीलेटर। और इधर हम बात करें डुअल क्लच की, ये इसका पीटीओ लीवर, ये इसके लो और हाई गियर, और कुछ इस तरह से देखते हैं साइड शिफ्टिंग कॉन्स्टेंट मेश स्लाइडिंग गियर है इसमें, स्लाइडिंग मेश। तो एक बार और बता देता हूँ, कॉन्स्टेंट मेश स्लाइडिंग मेश साइड शिफ्टिंग गियर आपको इसमें मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और नज़ारा कुछ इस तरह से है ट्रैक्टर का साइड का ऊपर बैठने के बाद। और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो आपको इसमें 4-way एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, और ये है इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल्स, ये है ड्राफ्ट और ये है पोजीशन, ये DC और ये PC। DC मतलब ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन मतलब PC, इसको PL भी कह सकते हैं, DL भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट लीवर पोजीशन लीवर। फिर अगर हम देखते हैं तो इसमें डिफरेंशियल लॉक तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा अभी भी। आयशर को अपने ट्रैक्टरों में डिफरेंशियल लॉक देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मैं अपने वीडियो में हर वीडियो में कहता हूं। तो चलिए MID की, तो डिजिटल MID है, देखते हैं कैसी डिजिटल MID है इसकी। मैंने बैटरी को बस अभी स्विच को ऑन करता हूँ, बहुत ही अच्छी, चलिए। और ये लाइटिंग कंट्रोल्स हैं इसके, ये देखिए, देख पा रहे हो आप, और अभी ये लाइटिंग कंट्रोल्स ऐसे दिखाए ताकि MID में जो लाइट जलती है वो दिखा सकूँ आपको। ये देखिए पूरी रेड हो जाती है, हल्की सी रेड, बंद किया फिर डल रेड, डल रेड। तो यहाँ पर डिजिटल MID है, 3000 इसकी मैक्सिमम RPM है। और ये फ्यूल का मीटर है यहाँ पर, ऑयल प्रेशर का है, बैटरी का है, बैटरी इंडिकेशन है यहाँ पर, बैटरी पॉइंट्स है यहाँ पर, और ये है कोल्ड और हॉट इसके साइंस। और ये डीजल टैंक 48 लीटर्स का। इधर मैं बात करूँ तो आपको एक हॉर्न मिल रहा है, सॉरी ये तो टाइम सेट करने के लिए है, हॉर्न इसके नीचे आपको हॉर्न मिल जाता है। और ये पुश स्टार्ट स्टॉप है, मतलब पुल करो इसको तो ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, वैसे मैं अब स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये है आपके इंडिकेटर्स, और ये है आपके फोर प्ले, चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने के लिए, पार्किंग बटन है ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ट्रैक्टर को और साउंड सुनते हैं।
हमने अभी इसका साउंड भी सुना है, बहुत ही प्यारा साउंड है। अभी तो नया ट्रैक्टर है, खैर कितने घंटे चला है, 11 घंटे 7 पॉइंट मतलब 11 घंटे 42 मिनट ट्रैक्टर चल चुका है। 1.6 मिनट का होता है, 10 पॉइंट मतलब 1 घंटा 60 मिनट। तो ये हो गई हमारे ऊपर आके साउंड की बात कर ली, हमने इंजन की बात हो गई। ओवरऑल हमने 485 ट्रैक्टर के बारे में आज रिव्यू किया और इसको देखा कि क्या क्या फीचर्स है इसमें। जो आयशर 485 में आपको वारंटी मिलेगी वो मिलेगी आपको 2000 घंटे के मतलब 2000 आवर्स की, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा 2 ईयर्स का जो पहले पूरा हो जाए। और दोस्तों जो इसका प्राइस है ऑनवर्ड्स जो प्राइस है इसका वो है 6,20,000 से है जो आयशर 485 का है। ये आपके ऊपर बार्गेनिंग के ऊपर है कि आप डीलर से कितनी बार्गेनिंग कर लेते हैं। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो प्राइस होता है वो डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ रूल्स के हिसाब से होता है। हो सकता है 6,20,000 यहाँ पर हो तो कहाँ पर 5,70 भी हो सकता है, 5,80 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 40,50,000 50,000 या 10,20,000 तो ऊपर नीचे होता रहता है, हर स्टेट के हिसाब से अपने अपने सबके टैक्सेस होते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये रिव्यू 485 का, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।